हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूपा रणदेव्स स्मार्ट आर्ट। आज लेकर आए हैं बेकरी की एक बहुत स्पेशल डिश जो कि बहुत ही डिलीशियस है। ये है लादी पाव, बहुत ही जालीदार, एकदम सॉफ्ट, बेटर क्वालिटी। और जैसे ही आप इन्हें एक बार पकड़कर प्रेस करेंगे तो ये बाउंस करेंगे। वाव, बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाएंगे आज हम लादी पाव। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं लादी पाव। लादी पाव बनाने के लिए मैं ले रही हूँ एक बाउल के अंदर 1/4 कप पानी। सो 1/4 कप पानी है और ये वार्म वाटर है, बिल्कुल ठंडा पानी हमने नहीं लेना। इसी के साथ मिल्क, और ये ल्यूक वार्म है, बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म दूध नहीं लेना है। और ये 1 कप है। और इसी के साथ शुगर ले रहे हैं 3 टेबलस्पून। पहले हमने शुगर को मिक्स कर लेना है मिल्क और वार्म वाटर के अंदर। अगर हम मिल्क ठंडा ले लें तो यीस्ट की फर्मेंटेशन एक्चुअल में जैसी चाहिए वैसी नहीं हो पाती। तो शुगर को मिक्स करने के साथ ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ यीस्ट। और जो यीस्ट है, यीस्ट हमने 2 टीस्पून प्लस 1/4 टीस्पून, 2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हमने यीस्ट लिया है। और इसे मिक्स करके ढककर फर्मेंटेशन के लिए हमने 10 मिनट के लिए रखना है रेस्ट पे। 10 मिनट हो चुके हैं और जो यीस्ट है वो बहुत अच्छे से फर्मेंट हुआ है। अगर ये इस तरह से फर्मेंट ना हो तो आपने इसे यूज़ नहीं करना, इसकी फर्मेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैंने लिया है 3 कप मैदा जिसे मैंने अच्छे से छान लिया है। अब मिल्क और वाटर के अंदर जो हमने यीस्ट डालकर रखा था वो सारे का सारा मैदे के अंदर उड़ेल कर इसे हमने अच्छे से गूंदना है। इसे हमने प्रॉपरली गूंदना है जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं, उससे थोड़ा सा सॉफ्ट और बहुत बहुत ही ज़्यादा ध्यान से गूंदना है। और इसमें तकरीबन 10 मिनट का टाइम जाएगा, लगातार 10 मिनट के लिए हम इसे गूंदते जाएंगे। 10 मिनट तक गूंदने के बाद बैटर अच्छे से तैयार हो गया है। और अब हमने इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून क्लेरिफाइड बटर या बटर अच्छे से इसके अंदर डालना है और फिर से हमने इसे एक बार गूंदना है। जब ये बटर अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा बस उस टाइम तक हमने इसे गूंदना है। अच्छे से बटर की कोटिंग करने के साथ ही हमने इसे एक बर्तन के अंदर रखना है और इसे हमने कवर करना है बिल्कुल टाइटली। और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक ट्रांसपेरेंट शीट के साथ, मैंने इसे अच्छे से कवर कर दिया है। और अब हम इसे रखेंगे किसी वार्म प्लेस पे 1 घंटे के लिए। 1 घंटा हो चुका है और जो डो है वो काफ़ी अच्छे से फूल चुका है। और अब एक बार फिर से हमने इसे गूंथना है। वाओ, 1 मिनट तक गूंथने के बाद अच्छे से डो प्रिपेयर है और इसे हमने कट कर लेना है 9 पीसेस में। वेरी केयरफुली हमने इसको 9 हिस्सों में बांटना है और सारे इक्वल पार्ट्स ही होने चाहिए। जिस तरह से हमने इसे बनाते हुए अंदर की तरफ लेके जाना है ताकि इसका जो टॉप पार्ट है वो बिल्कुल क्लियर आए, ये एक बहुत प्यारी सी टेक्निक है। इस तरह से हमने इसे रोल करना है दोनों हाथों से और बस इसी तरह से हमने बाकी के पीसेस भी प्रिपेयर कर लेने हैं। प्रॉपरली सारे पीसेस प्रिपेयर हैं और अब हमने एक कंटेनर लिया है जिसे हमने अच्छे से कोने कोने से प्रॉपरली ग्रीस कर देना है ऑयल के साथ। और अब इसके अंदर हम अपने सारे पीसेस रखेंगे। बस इस तरह से 1 by 1 हमने अपने सारे पीसेस इसके अंदर रख देने हैं। प्रॉपरली प्लेस कर लेने के बाद सारे पीसेस को हमने प्लेस कर लिया है और हम इसे कवर कर रहे हैं ट्रांसपेरेंट पेपर के साथ। अब इस फॉइल के साथ हमने इसे कवर करके रखना है 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स हो चुके हैं और जो पाव है वो बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं। और इन्हें बेक करने से पहले मैंने एक बाउल के अंदर लिया है मिल्क और इसमें शुगर है, सो थोड़ा सा मीठा डालकर ये दूध और इसे हमने कोट करना है। सारे जो पाव हैं उन्हें अच्छे से कोट कर देना है दूध और चीनी के साथ।
इसलिए हमने चीनी डाली है क्योंकि जब वो कैरमलाइज होगी तो इसका कलर बहुत अच्छे से निकल के आएगा। बस इस तरह से हमने इसे पूरी तरह से कोट कर लेना है। अब एक पैन के अंदर मैंने लिया है सॉल्ट, जो हम मोस्टली बेकिंग के लिए यूज करते हैं। सो इस सॉल्ट को हमने 10 मिनट के लिए बर्तन को प्री हीट किया है। इसके अंदर हम रखेंगे एक स्टैंड और उस पर रखेंगे पाव, और अब हमने इसे कवर करके पकाना है और हम इसे चेक करेंगे आफ्टर 20 मिनट्स। फ्लेम मीडियम रखनी है, ना ज्यादा हाई और ना ही ज्यादा लो। 20 मिनट हो चुके हैं और अब चेक कर लेते हैं कि हमारे लादी पाव तैयार है या नहीं। बहुत ही अच्छा कलर आया। फ्लेम को करेंगे बंद और इसे हमने पैन में से बाहर निकालना है। फ्लेम से हटा लेने के बाद हमने हल्का हल्का सा बटर लगा देना है टॉप पर। बहुत ही अच्छा कलर आया, बहुत ही कैरेमलाइज हो गई है वो जो शुगर और मिल्क हमने लगाया था। इससे ये ज़्यादा सॉफ्ट रहेंगे। सो बटर को हमने अच्छे से लगाने के बाद इस पर कोई सा भी किचन टॉवल आप रखकर थोड़ी देर के लिए हमने इसे कवर करके इसी तरह से रखना है। 5 मिनट की रेस्ट के बाद अब हम किचन टॉवल को हटाएंगे और साइड से हमने नाइफ को चलाना है ताकि हमें इसे निकालने में आसानी रहे। और जब हम इसे निकालेंगे तो ख्याल रहे कि बहुत ज़्यादा इसे ठंडा नहीं करना। सो हल्का हल्का ये गर्म ही होना चाहिए। और अब हमने इसे निकाल लेना है अपने कंटेनर में से। बहुत ही ध्यान से हमने इसे कंटेनर में से निकालना है। सो डिलीशियस। और अब एक बार चेक करते हैं। बहुत ही अच्छा इसका कलर आया, देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। और जैसे ही हम इन्हें पीसेस में, अलग अलग पीसेस में लेंगे, वाह सो सॉफ्ट, यस बहुत ही अच्छे से जालीदार बने हैं। बहुत इजी थे, इतने क्रीमी सॉफ्ट डिलीशियस लादी पाव घर पर बनाइए मेरे आइडिया से। और बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल।